नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी के पूछताछ के मामले पर अयोध्या में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय जा रहे कांग्रेसियों को अयोध्या पुलिस ने प्रेस क्लब तिराहे पर ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस से कांग्रेसियों की धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि जनपद में धारा 144 लागू है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी द्वारा सोनिया गांधी को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी को त्याग की प्रतिमूर्ति बताया है। उन्होंने कहा कि 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, इसलिए केंद्र सरकार कांग्रेसियों को डराने का प्रयास ना करे। नरेंद्र मोदी जो सबसे इस देश का डरा हुआ प्रधानमंत्री, जिसको सिर्फ एक ही लालच है कुर्सी का, जिस कुर्सी को खोने का डर है, खौफ है, हमारी नेता जिनको डराने का काम कर रहे हैं वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। 2004 में उन्होंने इस प्रधानमंत्री पद को किसी और को सुशोभित किया था, तो आज उन्हें डराया जा रहा है, उनकी कुर्सी का डर है। और डर इसलिए कि विपक्ष की आवाज़ उठाती है, बेरोजगारी, महंगाई और इस जो ठेके पे सरकारी नौकरियों को किया जा रहा उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज़ उठाती है, विपक्ष आवाज़ उठाता है, तो ईडी के द्वारा डराया और धमकाया जाता है। इसी को लेकर के हम कांग्रेस जन इस सरकार को चेताना चाहते हैं, आप विपक्ष को ईडी का डर दिखा करके डराना बंद करिए, वरना एक कांग्रेस पार्टी आज से सड़कों से उतर करके जिस तरीके से सदन में लड़ रही है, सड़कों पे लड़ने का काम करेगी। आपको नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। आप रोजगार चौपट कर रहे हो, महंगाई पे लगाम नहीं लगा पा रहे हो, रोक नहीं लगा पा रहे हो, नाजायज लोगों को परेशान कर रहे हो, दबा रहे हो। ये जब विपक्ष उसकी आवाज़ उठाता है उसको ईडी का डर दिखाते हो, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी नेता के ऊपर कोई दाग नहीं, अपनी नेता के लिए साथ साथ इस जो लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर के आज सड़कों पे उतरे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, विपक्ष को दबाना और डराना धमकाना बंद करो, काम करो, महंगाई पे रोक लगाओ, रोजगार दो, काम धंधे दो, इसलिए हम आगाह करते हैं।